हेलो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं मटन टिक्का बोटी रेसिपी। तो जिसके लिए हमने थोड़ी सी बोटियाँ ली हैं मटन की, उसमें हमने ब्लैक पेपर लिया है और साथ ही उसमें दही ऐड किया है हमने। अब हम इसमें टिक्का बोटी मसाला जो है वो ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते रहेंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते रहेंगे। वैसे इसकी मैरिनेशन में चाहें तो हम गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इस इधर गार्लिक ऐड नहीं किया है। हम बिल्कुल सिंपल से जो है वो बोटी रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी हम 1 से 1.5 घंटे तक जो है फ्रिज में होल्ड करेंगे और साथ ही एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे जो कि मैंने लिया है, लेकिन इस इधर ऑयल जो है वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। खैर, ऑयल हमने बहुत ही कम लेना है जिसमें हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करते हुए ये ख्याल रखना है कि हम इसे बाद में लो फ्लेम पर पकाएँ ताकि बोटी जो है वो बिल्कुल गल जाए। यहाँ देखें, ऑलमोस्ट बोटी जो है वो गल चुकी हैं, लेकिन जैसे कि ऑयल जो है वो ज़्यादा हो गया मुझसे। खैर, आपने इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ करना है जो कि इसी में रच जाए, ज़्यादा दिखे नहीं। अभी हम कोयला लेंगे और कोयला जो है वो सही से गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसे कोयले का दम देंगे हम। यहाँ कोयले को एक स्टील के बर्तन में लेके उस पर हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। अब हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।